दोनों महाभावों से ये सवाल है और सौरभ जी आपसे भी जी। मैं पिछले सुबह से यहां बैठा हूं और पूरी डिबेट सुन रहा हूं सुधांशु जी, मेरा जीएसटी के मुतल्लक है। एक तरफ आप कह रहे हैं सबका विकास सबका साथ और सबको न्याय मिले रोटी मिले खाना मिले, और वैसी साहब भी यही कह रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी से हूं मैं, जितने गुरुद्वारे हैं हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में वहां लंगर फ्री बांटा जाता है और 500 साल से यह परंपरा चल रही है। सुधांशु जी आपसे यह सवाल है, गवर्नमेंट के नाते मैं आपसे सवाल करता हूं कि जीएसटी क्यों लगाया हमारे राशन पे आपने? हम जीएसटी देकर राशन खरीदते हैं बाजारों से और मुफ्त में बांटते हैं, ये दुनिया गवाह इस बात की। 2 लाख लोग अमृतसर में रोज लंगर छकते हैं और सारे अगर गुरुद्वारों का टोटल लगाया जाए तो 1 करोड़ लोग रोज फ्री खाना खाते हैं। आपकी गवर्नमेंट नहीं खिला सकती, ये गुरु नानक जी की कृपा है जो हम लंगर खिलाते हैं उनको और सारा सामान फ्री बांटते हैं, चाहे नेपाल में त्रासदी हो चाहे कहीं कोई क्लाइमिटीज आए हम वहां पे फ्री बांटते हैं। ये जीएसटी के बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा प्रावधान आपने इसमें किया है बजट में कि नहीं किया? हमें उससे एग्जम्प्ट किया है कि नहीं किया? धन्यवाद। उन्होंने बहुत सही सवाल किया, ये बिल्कुल सही है। भारत में मंदिरों और गुरुद्वारों में लंगर की परंपरा है, जैसे आपने बताया साउथ में भी आप जाइए तो तिरुपति के मंदिर से लेके मीनाक्षीपुरम के मंदिर से लेके गुरुवायूर मंदिरों तक पूरा लंगर चलता है। हां यह बात सही है कि जो चैरिटी का काम हो रहा है उसके ऊपर टैक्स में एग्जेम्पशन होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो सुझाव आएंगे, सरकार ने जीएसटी के संदर्भ में अनेक अवसरों के ऊपर पिछले कुछ महीनों में जैसे ऐसे एप्रोप्रिएट सुझाव आए हैं तो उनको एकोमोडेट किया है। हम लोग आगे अच्छा सुझाव आएगा तो एकोमोडेट करेंगे। आपका जवाब मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से। एक मिनट सर, ठीक है बाटा साहब, आपकी आवाज नहीं जा रही। वैसे भी उन्होंने कहा स्पेसिफिक, नहीं तो मैं व्यक्तिगत स्तर पर भी उनके संज्ञान में बात ला दूंगा। ठीक, अब आप इजाजत है ना।